दिल्ली में कोरोना संकट के बीच लोगों को फर्जी टेस्ट रिपोर्ट दी जा रही है। जो लोग इस संक्रमण की चपेट में आए भी नहीं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताई गई। साउथ दिल्ली में ऐसे ही एक रैकेट में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनमें 2 लैब टेक्नीशियन, 1 डॉक्टर भी शामिल है। आरोपियों की पहचान चिराग दिल्ली निवासी प्रज्ञानंद उर्फ निहाल उम्र 24 वर्ष सुभाष मार्केट कोटला मुबारकपुर निवासी, हिमांशु शर्मा उम्र 24 वर्ष मालवीय नगर निवासी, डॉक्टर मनीष कुमार सिंह उम्र 32 वर्ष साकेत निवासी, सतेंद्र उम्र 26 वर्ष व निखिल उम्र 22 वर्ष के तौर पर हुई। ये लोग एक लैब के फर्जी लेटर हेड पर रिपोर्ट का प्रिंट निकाल लोगों को देते थे। DCP साउथ डिस्ट्रिक्ट अतुल कुमार ठाकुर ने बताया, 29 अप्रैल की रात मालवीय नगर थाना पुलिस को इस मामले को लेकर सूचना मिली। पुलिस को बताया गया गैनेस्ट्रिंग्स लैब यहां कुछ लैब वाले फर्जी कोविड रिपोर्ट बनाकर दे रहे हैं। पुलिस खिड़की गांव निवासी शिकायतकर्ता विपुल सैनी के पास पहुंची, जिसने बताया इस साल अप्रैल में उस समेत 45 रिश्तेदारों ने कोविड टेस्ट कराया था। टेस्ट का सैंपल उन्होंने हिमांशु और पंग्यानंद शर्मा को दिया था। 25 अप्रैल को ऋषभ शुक्ला ने टेस्ट का सैंपल दिया। अगले दिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई, जबकि उसे किसी तरह के कोरोना से संबंधित कोई लक्षण नहीं थे। 28 अप्रैल को उसने स्पाइस हेल्थ लेबोरेटरी में फिर से टेस्ट कराया, जहां उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। यह पता चलने पर विपुल सैनी सैंपल लेने वाले हिमांशु शर्मा और प्रज्ञानंद के साथ गैनेस्ट्रिंग्स लैब में गए। यहां रिकॉर्ड चेक किया गया, लेकिन वहां लैब में ऋषभ शर्मा की कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली। इस पर हिमांशु शर्मा ने बताया, वो अपने कजन प्रज्ञानंद के साथ होम सैंपल लेता है, जिन्हें वे गैनेस्ट्रिंग्स लैब में काम करने वाले डॉक्टर मनीष को दे देते हैं। इसकी लैब में कोई एंट्री नहीं होती। डॉक्टर मनीष टेस्ट का रिजल्ट एक्सेल शीट के जरिए प्रज्ञानंद को शेयर करता है, जिसके बाद प्रज्ञानंद गैनेस्ट्रिंग्स लैब के फर्जी लेटर पर उस टेस्ट के रिजल्ट का प्रिंट निकालता था। फर्जी लेटर डॉक्टर मनीष ने ही मुहैया करवाए थे। इस तरह से आरोपी कोविड संबंधी रिजल्ट लैब के फर्जी लेटर पर बनाकर लोगों को देकर धोखाधड़ी कर रहे थे। ऐसे टेस्ट रिपोर्ट के लैब में कोई रिकॉर्ड की एंट्री भी नहीं की जाती थी। यह पता चलने पर मालवीय नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मालवीय नगर थाना अध्यक्ष युद्धवीर सिंह की टीम ने छापेमारी कर सभी 5 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी हिमांशु और प्रज्ञानंद लैब टेक्नीशियन है, जो घर घर से कोविड टेस्ट के सैंपल उठाते थे। ये सैंपल वे डॉक्टर मनीष को दे देते थे। इसके बाद डॉक्टर मनीष अपने सहयोगियों सतेंद्र और निखिल के साथ मिलकर रिपोर्ट फोन पर ही हिमांशु और प्रज्ञानंद को भेज देते। इसके बाद लैब के फर्जी लेटर हेड पर फर्जी रिपोर्ट का प्रिंट निकाल लोगों को दे दिया जाता था। आरोपियों से अभी मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। एक टाइम इक्वल्स 0.4S ग्रेटर देन सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।